कोरोना की पहली लहर में मिली कामयाबी दूसरी लहर में धाराशायी हो गई। अस्पतालों की हालत ने सारी तैयारियों की पोल खोल दी। यही वजह है कि कोरोना की तीसरी लहर के अलर्ट को सरकार अभी से गंभीरता से ले रही है। वैक्सीन प्रोग्राम को तेज करने की रणनीति बनाई गई है। दिसंबर के अंत तक लगभग 216 करोड़ वैक्सीन डोज हासिल करने का लक्ष्य है। सरकार की क्या तैयारी है, क्या रोड मैप है, इसे विस्तार से समझिए। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को बेदम कर दिया। अस्पताल मरीजों से भर गए, सिस्टम हांफने लगा। न बिस्तर था न वेंटिलेटर, सांसें भी भारी हो गईं। ऑक्सीजन की कमी से न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गईं। और अब तीसरी लहर का खतरा सामने है। अच्छी बात यह है कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी से सजग हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर से हुए जानमाल के नुकसान से सबक लेते हुए मोदी सरकार ने अब पूरे देश में वैक्सीन के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित किसी भी दवाई की किसी भी स्तर पर कोई कमी ना पड़े, इसके उत्पादन को लेकर अब मोदी सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि तीसरी लहर का आना तय है। इसके वैज्ञानिक सबूत हैं कि तीसरी लहर में वायरस का म्यूटेंट ज्यादा ताकतवर रहेगा। कुछ विशेषज्ञों ने डर जताया है कि तीसरी लहर में बच्चों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार कमर कस चुकी है। आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है, तो उस बात को भी ध्यान में संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको हम विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि कोरोना संक्रमित लोगों को दवाई और अस्पताल की कमी ना पड़ने पाए। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि वैक्सीनेशन मुहिम को युद्ध स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाए। तीसरा ये कि नए म्यूटेंट से निपटने के लिए वैक्सीन को अपडेट भी किया जाए। सरकार का फिलहाल पूरा फोकस वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने और उसे पूरे देश में आसानी के साथ पहुंचाने पर है। देश में अभी तक 19 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई, लेकिन ये संख्या आबादी को देखते हुए बहुत कम है। यही वजह है कि सरकार वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। भारत में लगातार वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने इस बात को लेकर के सवाल उठाया था कि वैक्सीन उनके राज्यों में नहीं पहुंच रही है। यही वजह है कि भारत सरकार और भारत बायोटेक की तरफ से इस कंपनी यानी बिपकॉल कंपनी को एक समझौता किया गया है और इसमें फार्मूला ट्रांसफर करने के बाद इस कंपनी के जरिए कई डोज वैक्सीन के बनाए जाएंगे। बिपकॉल यानी भारत इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी में सितंबर से वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा। लक्ष्य कोवैक्सीन के 1 करोड़ डोज बनाने का है। इतना ही नहीं, दिसंबर के आखिरी तक 2 करोड़ डोज के उत्पादन का लक्ष्य है। भारत सरकार ने जो हमको प्रोडक्शन करने के लिए टाइमलाइन दिया है उसके हिसाब से हम सितंबर अक्टूबर में यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और 10 मिलियन डोजेज मतलब 1 करोड़ डोज हम हर महीने बनाएंगे, जो हमारा इनिशियल टारगेट है। उसको हम स्केल अप करेंगे और जितना अधिक से अधिक हो सकता है हम भारत सरकार की मदद करेंगे जिससे कि इस रोग से बच्चे बड़े सब बच सकें। इसके अलावा जर्मनी की 5 बड़ी कंपनियों ने भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए करार को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये कंपनियां कुल उत्पादन का 50% भारत को देंगी। 4 अन्य विदेशी कंपनियों ने भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार करने की इच्छा जताई है। भारत बायोटेक ने जनवरी से अप्रैल तक कोवैक्सीन की हर महीने 90 लाख डोज यानी कुल 3 करोड़ 60 लाख डोज का उत्पादन किया है। दिसंबर तक भारत बायोटेक और उसकी सहयोगी कंपनियां कोवैक्सीन की 78 करोड़ 70 लाख डोज सरकार को देंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस साल के अंत तक कोविशील्ड वैक्सीन की 129 करोड़ डोज देगा। इसके अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का उत्पादन भी 5 कंपनियां करेंगी। दिसंबर तक ये देश में 25 करोड़ 81 लाख वैक्सीन डोज देंगी। Between 16th of January and 31st of July, we have said it earlier also, the country would have
got something like 51 crore vaccines, and then between 1st of August to 31st of December, the country would have got almost 216 crore vaccine doses. So that means that by the end of this year, we would have got the capacity to vaccinate almost every adult in the country. उम्मीद है कि इससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी आएगी और तीसरी लहर का खतरा कम होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। कोरोना को मात देने की लड़ाई लंबी है, अस्पतालों पर भारी दबाव है। ऐसे वक्त पर सेना के तीनों अंग यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने शानदार भूमिका निभाई है। सेना के अस्पतालों में न सिर्फ नागरिकों का इलाज हो रहा है बल्कि विशेष अस्पताल बनाए गए हैं जहां तीनों सेना के अंगों के जो अफसर हैं लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में जुटे हुए हैं। ये युद्ध है कोरोना के अगेंस्ट, और इसके लिए जैसे हम युद्ध के लिए तैयारी करते हैं वैसे हम इसके लिए तैयार होकर आए हैं, और ये युद्ध जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। We've all teamed up very well to deliver the care in the emergency. हमे मौका मिला है कि देश की सेवा करने का, और हम सभी motivated हैं. We are not afraid of dying. Patient यहाँ से खुश होके ठीक होके जा रहा है. Warlike situation we have to face any time because we are trained like that. हर मुश्किल में हमारा जो motivation level वो escalate हो जाता है, वो बढ़ जाता है. सरहद पर पहरा हो, दुश्मन को दंड देना हो, साजिशों को नाकाम करना हो, तूफान हो, बाढ़ हो, हर जगह हर मोर्चे पर मौजूद रहते हैं भारत के ये वीर। कोरोना की त्रासदी में जब देश बुरी तरह कराह उठा तब सेना के तीनों अंगों के जवान वायरस की लहर के सामने डट गए। रक्षा के दो सूत्र होते हैं, दुश्मन का खात्मा और जो अपने हैं उनका बचाव। अमूमन तो सरहदों पर युद्ध काल में हमने अपनी फौज को देखा है, लेकिन ये जो कोरोना काल है वो किसी युद्ध से कम नहीं है, और इसीलिए इस युद्ध काल में किस तरीके से हमारे वर्दीधारी, हमारे सैन्य कर्मी, डीआरडीओ सब मिलकर अपनी पूरी ताकत से देश की रक्षा कर रहे हैं और देश का विश्वास बने हुए हैं। डीआरडीओ द्वारा स्थापित ये अस्पताल सेना के तीनों अंगों के एक साथ मिलकर वायरस के खिलाफ युद्ध लड़ने का बेहतरीन उदाहरण। फौज ने सिर्फ अतिरिक्त व्यवस्थाएं नहीं की हैं कोविड के लिए बल्कि अपने अस्पतालों के दरवाजे भी आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, मरीजों के लिए खोल दिए हैं। इस समय जिस तरीके से जो ताज़ा रिटायर हुए थे यानी दो साल के भीतर जो रिटायर हुए हैं मेडिकल स्टाफ फौज से, उन सबको वापस बुलाया गया है ताकि जो उनकी ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण रहा है अभी तक का, वो देश के काम आ सके। तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर अस्पताल के ऑपरेशंस को संभाल रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन विशेषज्ञ डॉक्टर्स के हौसले बुलंद हैं। एक ही लक्ष्य है, जान बचाना। यहाँ पर शुरू हुआ है ऑलमोस्ट वन ईयर के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, पोस्टिंग आई है मेरी यहाँ पर, एंड इट्स वेरी गुड हियर कि यहाँ पर वी आर सर्विंग द नेशन, वी आर डीलिंग विद द पैंडेमिक एंड वी आर सर्विंग एज मच पीपल एज वी कैन। जो हमारी अब तक ट्रेनिंग हुई है, जितना हमने पिछले साल से सीखा है वो पूरा हम अभी अपने ट्रेनिंग को इस्तेमाल करते हुए जितना हमसे हो रहा है, we are trying to do our best for the patients who are unwell. चुनौतियां सामने आती हैं तो हमारे जवानों का हुनर और हौसला निखर कर सामने आता है। ये किसी भी परिस्थिति में लड़ने और जीतने के लिए तैयार हुए हैं, फिर चाहे वो सरहद पर दुश्मन हो या फिर कोरोना वायरस, इनकी ट्रेनिंग बेमिसाल। भारतीय फौज के जो संस्कार है, जो परंपराएं हैं और खासकर जो ट्रेनिंग है वो कैसे कोविड के इस समय में बहुत काम आ रही है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि फौज कभी भी पैनिक करना नहीं सिखाती। घबराहट के समय में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, जब भी मुश्किल बढ़ती है तो इनकी उस बढ़ती हुई चुनौती के साथ जज्बात, जज्बा, जोश, जुनून सब कुछ बढ़ जाता है और वो उस मुश्किल से आसानी से पार पा लेते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर होता है वो अनुशासन, जो ऐसी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा काम आ रहा है। भीषण तनाव में मेडिकल कोर के ऑफिसर्स अपना सर्वोत्तम देते हैं। इनका काम न सिर्फ मरीज को बचाना है बल्कि परिवार को यह भरोसा देना है कि सब ठीक होगा। ये शब्द उन लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं।
विद ग्रेजुअल टाइम ही रियलाइजेस कि नहीं ही विल बी ट्रीटेड ही विल बी लुक्ड आफ्टर वेल सो दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ जो सब फीलिंग एक क्या बोलते हैं उसको एक सपोर्ट जो मिलता है दैट इज द फर्स्ट थिंग देन obviously as I said ki different staff are there who does different so he has been looked after in a positive way and the recovery is also good. भारतीय सेना का मनोबल हजारों फीट की ऊंचाई वाले पर्वतों से भी ऊंचा है. जितनी बड़ी चुनौती जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही ऊंचा मनोबल. हमारी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम हर मुश्किल में हमारा जो मोटिवेशन लेवल वो एस्केलेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है. मतलब हम ऐसा नहीं होता कि कोई दुर्गम या डिफिकल्ट सिचुएशन है तो मोटिवेशन गिर जाएगा, हमारा बढ़ता जाता है. डीआरडीओ भारतीय सेना के लिए हथियार और उपकरण बनाता आया है, लेकिन कोरोना से जंग में वो अस्पताल बना रहा है, दवाई की खोज कर रहा है, ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रहा है. सेना दुश्मनों से लड़ती है, देश की रक्षा करती है. इस त्रासदी में वो वायरस से लड़ रही है, देश को देशवासियों को बचा रही है. सेना के इस जज्बे को आज तक का. कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक. सेनाओं ने सिर्फ ग्राउंड पर कोरोना के खिलाफ